दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है और आप अपने फेसबुक अकाउंट को अनलॉक करने के लिए जब चूज फोटो पे क्लिक करके अपना आईडी कार्ड सबमिट करते हैं फेसबुक टीम को, तो आपका आईडी कार्ड सबमिट नहीं होता है और आपको जो है एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं ये वाली प्रॉब्लम। देयर इज सम प्रॉब्लम व्हेन अपलोडिंग योर इमेज। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता है और ना ही इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे भी कोई ट्रिक है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से समझ आ जाएंगी कि ये प्रॉब्लम हमारे अकाउंट के अंदर क्यों आ रहा है, और साथ ही साथ आपको इस प्रॉब्लम का जो मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप लोग इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भाई, जो भी बंदे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो भाई चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन बटन पे क्लिक करके उसे ऑल पे सेट करो, ताकि आप लोगों को हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो अपने उसी ब्राउज़र पे आ जाना है जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। जैसा कि आप अभी मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने एक लॉक अकाउंट के अंदर प्रूफ सबमिट किया तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बैक आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट आपको बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले पेज पे आ जाना है, ठीक है। इस वाले पेज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है नीचे की तरफ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आप इसे रीड करिए। आपको पूरा रीड नहीं करना है, ओनली वन लाइन को रीड करना है। वी सिक्योरली स्टोर योर आईडी फॉर अप टू वन ईयर। भाई, जब भी आप कोई आईडी कार्ड फेसबुक टीम को सबमिट करते हो, तो फेसबुक टीम आपके उस आईडी कार्ड को एक साल तक अपने स्टोर में रखती है, मतलब अपनी फाइल्स में रखती है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे जो है पहले ये जानेंगे कि हमारे अकाउंट के अंदर जो है ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा पुट आउट, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है ये सारी इन्फो रीड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजबल है। लेकिन मैं ये सारी इन्फो रीड नहीं करूँगा, मैं आपको जो है डायरेक्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपके अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो भाई, बात को ना क्लियरली समझना और अच्छे से समझना, ठीक है। जब भी आपके अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे दो ही ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड वीडियो वाला और एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड फोटो वाला। मतलब फेसबुक टीम आपसे दो ही चीज़ मांगती है, आपके आईडी को कंफर्म करने के लिए या तो आपसे रिकॉर्ड वीडियो मांगेगी या फिर आपसे आपका आईडी कार्ड मांगेगी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप जब भी अपना फ़ोटो आईडी कार्ड देते हो तो उसे एक साल तक एफबी टीम अपने पास रखेगी, या फिर आप जब भी अपनी सेल्फी की वीडियो यहाँ पर सेंड करोगे तो उसे भी एक साल तक अपने पास एफबी टीम रखेगी। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टोर वीडियो सेल्फी, तो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, मतलब आपने कोई भी वीडियो सबमिट नहीं किया है एफबी टीम को। भाई, जब वीडियो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन ही नहीं है तो आप वीडियो सबमिट कैसे करोगे। लेकिन यहाँ पर आपको स्टोर आईडी फोर, तो यहाँ पे आपने 5 बार प्रूफ सबमिट किया है एफबी टीम को, मतलब एफबी टीम की लिमिट होती है 5 टाइम। आप 5 बार से ज़्यादा एफबी टीम को एक साल में प्रूफ सबमिट नहीं कर सकते हैं, वो भी एक ही प्रॉब्लम पे। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम पे जिस भी बंदे का ये अकाउंट है, उसने 5 बार ऑलरेडी एफबी टीम को प्रूफ सबमिट किया हुआ है और वो प्रूफ एक्सेप्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनका अकाउंट अनलॉक नहीं हुआ है। और साथ ही साथ
अब ये अगेन प्रूफ सबमिट कर रहे हैं तो ये प्रूफ जो है नहीं ले रही है एफबी टीम, क्योंकि भाई आपकी जो लिमिट थी 5 टाइम की वो अब ख़त्म हो चुकी है, समझ रहे हो, आपकी 5 टाइम की लिमिट है। तो जब भी आप अनलॉक अकाउंट को रिकवर करने के लिए प्रूफ सबमिट करो तो फेसबुक और आईडी कार्ड की डिटेल मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही प्रूफ सबमिट करते रहोगे तो भाई आपकी जो है लिमिट ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आपका आईडी कार्ड सबमिट होना बंद हो जाएगा, एंड सबमिट होना बंद हो जाएगा तो आप अपने आईडी कार्ड को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, जब हमने 5 टाइम प्रूफ सबमिट कर दिया तो अब हम क्या करें, मतलब अब हम अपने अकाउंट को किस तरह से ओपन करें, किस तरह से हम अपने अकाउंट के अंदर से इस प्रॉब्लम को हटाएं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बोला है आईडी स्टोर फॉर 1 ईयर, ये आपके आईडी कार्ड को जो है सिर्फ 1 साल तक रखेंगे, 1 साल बाद आपके आईडी कार्ड डिलीट हो जाएंगे, 1 साल बाद अगर आप ट्राई करोगे तो आपका आईडी कार्ड जो है नहीं होगा इनके पास और आपका जो प्रूफ है वो सबमिट हो जाएगा और आपकी आईडी भी ऑन हो जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पे कोई भी बंदा 1 साल वेट नहीं कर सकता है, 1 साल में तो बंदा ये भी भूल जाएगा कि उसके पास कोई भी फेसबुक अकाउंट था। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर सकते हो, वो रियल ट्रिक है और भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है। आज से पहले ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पे भाई किसी भी बंदे ने नहीं बताई होगी, तो वो ट्रिक क्या है अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये लास्ट पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है, सिर्फ लास्ट पैराग्राफ रीड करना है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है भाई इस पैराग्राफ के अंदर। जो बंदा इसको समझ गया, समझ लो उसकी आईडी 100% बैक आ जाएगी, या फिर उसकी ये जो प्रॉब्लम है फोटो अपलोडिंग वाली वो 101% सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कोई आईडी नहीं है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू टर्न दिस ऑफ I will delete existing information currently stored within 30 days. भाई यहाँ पे जो है ये वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, ये ठीक है, ये दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो, आप इस ऑप्शन को बंद कर दोगे आईडी कार्ड वाले को, तो आपकी आईडी जो है 30 दिन के अंदर ये जो है डिलीट कर देंगे, मतलब आपके प्रूफ जितने भी आपने प्रूफ सबमिट किए हैं उन सारे प्रूफ को जो है ये 30 दिन के अंदर डिलीट कर देंगे। और 30 दिन बाद आप जब 31वें दिन अपना प्रूफ सबमिट करोगे तो आप अपना प्रूफ सबमिट कर पाओगे, उसमें आपको फ़ोटो अपलोडिंग जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जस्ट नाउ पे ही आपका प्रूफ सबमिट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, और 30 दिन का वेट करने से पहले आपको ये वाला ऑप्शन जो है ये इसको ऑफ करना होगा, इस तरह से जैसे मैंने अभी कर दिया है। अब दोस्तों इसको ऑफ करने के बाद आपको जो है 30 दिन वेट करना है, 30 दिन बाद आपके जितने भी आईडी कार्ड सबमिट हुए हैं एफबी टीम को वो सारे डिलीट हो जाएंगे। जब एफबी की जो लिमिट है वो क्लियर हो जाएगी, मतलब आपके सारे आईडी कार्ड डिलीट हो जाएंगे, तो फिर से आपको जो है आपकी लिमिट मिल जाएगी 5 टाइम आईडी कार्ड सबमिट करने वाली, और फिर आप 30 दिन बाद अपना आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हैं और आप अपने अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही ट्रिक थी, यही प्रोसेस था जिसका यूज करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। अदरवाइज पूरे एफबी पे, पूरे यूट्यूब पे ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी कोई भी प्रॉक्सी नहीं है जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। जो ट्रिक मैंने बताई है आज से पहले पूरे यूट्यूब पे किसी भी बंदे ने नहीं बताई है। तो दोस्तों आई होप यू आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई है, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनके भी अकाउंट की प्रॉब्लम जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और भाई आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको रेड बटन मिलेगा सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में आपको एक बेल आइकन बटन मिलेगा उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेट करो, ताकि आपको भी
हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में।